नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से सुबह सुबह की धमाकेदार खबरें आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। पांच न्यूज है 15 दिसंबर 2020 की। सबसे पहले सबसे स्टीक इन्फॉर्मेशन देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। डाउट बच्चों, आप किसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है। 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका ट्यूशन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सबका सोल्यूशन आपको डाउट नेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सबका भी आपको डाउट नेट ऐप पर सोल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिएगा, सबसे पहले बड़ी खबर आई हुई है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब पंजीकृत के लिए 22 तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अध्ययन या फिर अधरस्त कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र बिना विलंब शुल्क के 22 दिसंबर तक पंजीकृत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगवीर सिंह ने, सचिव राजीव प्रसाद जी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से राजकीय अराजकीय स्थानीय मान्यता प्राप्त से कर रहे 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को यह जानकारी दी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ओपन बोर्ड के कंपार्टमेंट के उत्तीर्ण बच्चों को मिले नियमित विद्यार्थी का दर्जा। कुंडू ने कहा है कि हरियाणा प्राइवेट संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने निजी स्कूलों में संबंधित विभाग विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उनके जल्द समाधान की मांग भी की है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी खबर आई हुई है, अभिभावकों ने बच्चों को नहीं भेजा विद्यालय, कोरोना के बाद खुले स्कूल, सुनी रही हैं कक्षाएं। बहुत से स्कूल ऐसे रहे हैं कि वहाँ पर स्कूल में विद्यार्थी पहुँचे ही नहीं, कल से स्कूल खुल गए थे और विद्यार्थी बहुत कम पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, स्कूल खुलते ही 996 बच्चों के सैंपल फिर से लिए गए हैं और 10वीं और 12वीं के 594 विद्यार्थी पहुँचे स्कूल। सुबह धुंध, दिन में धूप, 3 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बिना रिपोर्ट की पहुंचे विद्यार्थी, अभिभावक बोले स्कूलों में हो कोरोना की जांच। कोरोना की जांच स्कूलों में ही होनी चाहिए, अभिभावकों ने बोला है कि हमारे पास रिपोर्ट बनाने का समय नहीं है, हम रिपोर्ट नहीं बनवा सकते, स्कूल में अपने आप सरकार कोरोना की जांच कराए। सभी के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद।